हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्टर के अंदर न्यूट्रल कहां से मिलता है। हालांकि काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है कि इन्वर्टर के अंदर न्यूट्रल कहां से मिलता है। हालांकि न्यूट्रल तो यहां से ही मिलता है, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से पूरी तरह से समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर बने रहें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इसके अंदर न्यूट्रल कहाँ से आता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर न्यूट्रल कहाँ से आता है, तो मैं आप लोगों को इस बल्ब के थ्रू बताऊँगा कि न्यूट्रल कहाँ से आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक कमेंट भी आया था कि सर आपने मेरी एक पिछली वीडियो है, जो नीचे कमेंट है, नीचे लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसके अंदर मेरे को एक कमेंट आया था कि सर आपने तो बिल्कुल ही वहाँ से प्लग के अंदर से बिल्कुल दोनों वायर निकाल दिए हैं, फिर भी ये न्यूट्रल कहाँ से मिल रहा है। तो न्यूट्रल होता असल में इन्वर्टर के अंदर ही है, वो मैं आपको बताता हूँ पहले 100%। तो दोस्तों, यहाँ पर आप वायरिंग से अगर डिस्टर्ब हो रहे हो तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके मेन वायर को हटा देता हूँ। यहाँ से मेन वायर बिल्कुल हटी हुई है। यहाँ पर ये दो बैटरी के कनेक्शन हैं, जो कि आप लोग इस बैटरी को देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने कनेक्शन कर दिया है, यानी कि ये इन्वर्टर मोड पर है, अभी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कनेक्शन नहीं है। तो मैं आपको डायरेक्टली पहले इस बल्ब को ऑन करके दिखा ही देता हूँ, आखिर ये कैसे बल्ब ये ऑन होता है या नहीं होता है, मैं सिंपली आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपली यहाँ पर न्यूट्रल और फेज़ दोनों मिल रहा है। अब आप कहोगे, मेरे को इसी तरह से एक कमेंट ही आया था कि इसके अंदर न्यूट्रल कहाँ से मिल रहा है, फिर आपने प्लग वगैरह सब निकाल दिया है। तो न्यूट्रल और फेज़ इसी के अंदर होता है। न्यूट्रल थोड़ा ग्राउंड करने की वजह से क्या है, वो जो ट्रांसफॉर्मर पर जो ग्राउंड होता है उसकी वजह से यहाँ टेस्टर के अंदर लाइट नहीं दिखाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कि आप डायरेक्टली यहाँ पर बल्ब जल गया है। तो मैं इसके न्यूट्रल को बाहर निकालता हूँ। ये है इसका न्यूट्रल। अब मैं इसका पहले साइड आपको दिखा देता हूँ, न्यूट्रल साइड कौन सा होता है इसका। इसका ये साइड न्यूट्रल है और ये साइड फेज़ है। ये साइड न्यूट्रल, ये साइड फेज़। तो इसका कनेक्शन कैसे होता है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से आपको न्यूट्रल, हमको यहाँ से न्यूट्रल मिला, बल्ब जल गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं न्यूट्रल को हटाता हूँ। अब काफ़ी मुझे एक कमेंट भी आया था, तो मैं उस कमेंट का मैं इस वीडियो के अंदर ही जवाब दे रहा हूँ। फेज़ उसके अंदर डाला हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक न्यूट्रल कनेक्शन करता हूँ। ये क्या बात हुई, बल्ब जला नहीं, ठीक है। मैं उस साइड में, हो सकता है ये न्यूट्रल नहीं फेज़ हो, फेज़ होता तो हाई वोल्टेज भी हो सकता था, लेकिन हाई वोल्टेज से लाइट जलनी चाहिए, नहीं जली। इसको निकालता हूँ, इसके अंदर डालता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी इसके अंदर लाइट नहीं जली। आखिर क्यों नहीं जली, इसका भी मैं रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ। अब आप कहोगे ये जलता क्यों है, फिर एक वायर में जलता क्यों है, तो मैं आपको एक डिटेल के साथ में चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले आप मेंशन कीजिए इसके अंदर न्यूट्रल और फेज़ दोनों कनेक्शन किए गए। अब आप कहोगे ये तो चार्जिंग वाली पिन है, तो ये खाली चार्जिंग वाली नहीं है, इसके अंदर दो सिस्टम है। एक के अंदर दो सिस्टम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये न्यूट्रल है, ये एन दिख रहा है आपको, यहाँ न्यूट्रल है और लाइन, एल मतलब लाइन, ठीक है। तो चार्जिंग की जो लाइन होती है वो असल में ये काम करती है, इसका काम होता है न्यूट्रल। ये चार्जिंग में भी जाता है और हमारी घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें भी जाता है। तो मैं इस एक वायर को, यानी कि एक वायर वाइट वाला जो आप देख रहे हो, ये इन्वर्टर के अंदर लगा हुआ है, तो मैं एक न्यूट्रल वायर इसके अंदर कनेक्शन करूँगा। देखिए ये देखिए दोस्तों, तो आपको पता तो चल ही गया होगा न्यूट्रल हमें कहाँ से मिलता है। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ से मिलता है, हमें इसमें भी आपको लगा के दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए नहीं जला, क्यों नहीं जला, क्योंकि ये डायरेक्टली चार्जिंग मोड पर जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जो इसके अंदर घुसती है वो डायरेक्टली चार्जिंग के लिए जाती है, इसलिए यहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा, इस साइड में बल्ब जल रहा है। तो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल हमें कहाँ पर लगा हुआ है, इसका न्यूट्रल डायरेक्टली यहाँ से लेके इस केबल के अंदर 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 जाकर ये न्यूट्रल, में आपको मोबाइल आगे करके दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो आप केबल, ये रही केबल, वो ये जो आप देख रहे हो न्यूट्रल, ये आ रहा है केबल में से भी और ये सॉकेट में भी लगा हुआ है। ये देखिए
देख सकते हो यहाँ पर ये जो दिख रही है ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल कहीं पे भी नहीं गया, सीधा हमारे इसमें आ गया। इसमें ये जो बाहर आपको सॉकेट दिख रहा है, ये जो आप ये है ना, इसकी जो न्यूट्रल है ना सीधी इसके अंदर आई हुई है। और यहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से सीधा इसके सर्किट के अंदर जा रही है जिससे कि यहाँ चार्जिंग होती है। तो मैं आपको अच्छे से एक बार और दिखा ही देता हूँ। तो दोस्तों पता चल गया कहाँ से न्यूट्रल मिलता है, यहाँ से। अब आप कहोगे हमारी इलेक्ट्रिसिटी तक इसका न्यूट्रल कहाँ कैसे पहुँचता है, तो इसका न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी तक जब हम इसे ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसे मैंने कनेक्ट किया आपके सामने, बिल्कुल यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। मैंने इसकी मेन को ऑन नहीं किया है, सिर्फ इसकी लाइट बंद है। आप देख सकते हो इन्वर्टर का मेन अभी ऑन नहीं है, सिर्फ इन्वर्टर यूपीएस ऑन है। ये देखिए दोस्तों इसका यूपीएस ऑन है, मेंस ऑन यहाँ पर होता है। तो अब मैंने यहाँ पर प्लग इन कर दिया है, इसके अंदर प्लग इन कर दिया है। दोस्तों वीडियो को एंड तक वॉच करते जाइए, मैं अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर हो गया मेंस कनेक्शन। मेंस कनेक्शन होने के बाद अब ये बल्ब मैं आपको कहाँ से इसका न्यूट्रल लगा के दिखाऊँ बताता हूँ, एक मिनट। आपको पहले ये देख लेना है, एक कनेक्शन यहाँ पर होया हुआ है। इस बल्ब को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसका न्यूट्रल यहाँ पर है, ठीक है, ये रहा न्यूट्रल। तो इसको मैं कनेक्शन करके आप कहोगे जिस बोर्ड में मैं इसको चला के दिखाऊंगा, ये जो मेरा सोलर इन्वर्टर का जो बोर्ड है जिसके अंदर मेन इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और मेरा जो काम वहाँ हो रहा, मैं वहाँ वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पर, तो यहाँ वहाँ पर न्यूट्रल उसका एक बल्ब का एक तार वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला के दिखाऊँ, मतलब इसका कनेक्शन सीधा नीचे गया हुआ है, तो आप सोच रहे हो कि आप यहाँ से चला के दिखाइए, तब मैं मानूँ कि इसके अंदर न्यूट्रल, वाकई न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ पहले इसका मेंस ऑन है या यूपीएस ऑन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले रीज़न के यहाँ पर ओ यूपीएस ऑन है, ठीक है, यहाँ पर मेन वायर बंद है। मैंने एक वायर बल्ब का डाल दिया है, इसका कनेक्शन कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ उस बोर्ड के अंदर ये मेन चार्जिंग वाला मैंने डाल दिया है, ठीक है। इस बल्ब का जो एक वायर बचा था उसको मैंने एक लंबे वायर में कन्वर्ट कर दिया है। और सॉरी दोस्तों ये एक मेरा बल्ब फूट गया है, तो मैंने एलईडी बल्ब लगा दिया है। तो यहाँ से एक लंबा वायर सिंगल वायर है, आप देख सकते हैं। अब मैं अपने सोलर पैनल वायर में कनेक्शन करूँगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वायर बिल्कुल सिंगल है, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, ये सिंगल वायर है। तो मैं इसे यहाँ इस न्यूट्रल में डालता हूँ, ठीक है, इस न्यूट्रल में डालते ही वो बल्ब ऑन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों हो गया ना, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑन। तो मैं इस वायर को यहाँ पर छोड़ देता हूँ। अब चलते हैं हम वहाँ पर। अब आप कहोगे सर यहाँ इसको न्यूट्रल मिल कहाँ से रहा है, दरअसल इसे न्यूट्रल मिल रहा है इस साइड से। अब मैं इसकी सॉकेट को बाहर निकालता हूँ। ये देखिए दोस्तों बल्ब हो गया बंद, क्यों हुआ मैं बताता हूँ, ये इसको लगाते ही बल्ब ऑन हो गया, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, इसका जो न्यूट्रल है इसके अंदर आया, ये न्यूट्रल डायरेक्टली इसके अंदर बोर्ड के अंदर गया, बोर्ड के अंदर का जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल सीधा हमारे इस बोर्ड के अंदर गया। इसके अंदर जाने के बाद मैंने जहाँ जहाँ न्यूट्रल का कनेक्शन किया है, इसके अंदर आने के बाद इस फैन बॉक्स के अंदर आया, फैन बॉक्स में आने के बाद मैंने यहाँ पर एक पाइप लगाया है, बिजली का फिटिंग का, यहाँ पर बिजली फिटिंग भी मैंने की है, इसके अंदर आया, इसके इस बोर्ड के अंदर आया, इसके पीछे से वहाँ से जाके यहाँ पर ये रहा बोर्ड, ये रहे वायर, यहाँ पर ये रहा वायर, और यहाँ पर इसको कनेक्शन किया तो वो बल्ब ऑन हो गया। तो इसी तरह दोस्तों जितने भी घरों के अंदर कंप्लीट न्यूट्रल है, हमारे जो
घर के अंदर जो बिजली पावर हाउस से बिजली आती है यानी कि ट्रांसफॉर्मर से बिजली आती है वहाँ तक ये न्यूट्रल पहुँच चुका है। अगर आप कहो तो मैं ये वायर है ना, ये एक वायर सिर्फ होल्डर का एक वायर अगर मैं अपने घर के बाहर ट्रांसफॉर्मर तक ले जाऊंगा वहाँ तक भी इसका न्यूट्रल पहुँच जाएगा। कैसे पहुँचेगा? इस सॉकेट के थ्रू। अगर मैं ये सॉकेट बाहर निकाल दूं तो कहीं पे भी इसका कनेक्शन ऑन नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पर एक अर्थ ग्राउंड करके दिखा देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसे ही कोई जुगाड़ उगाड़ करके बता रहे होंगे, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर मेरी जालियाँ, आप जालियाँ देख रहे हो, यहाँ इस जाली के आप कहो जहाँ पर मैं टच करके दिखा दूँगा, मैं आप कहो तो यहाँ पर इस जाली के ऊपर टच करके दिखाऊँगा। इस जाली के ऊपर टच करने के बाद वो बल्ब ऑन हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने उस वायर को जाली के अटैच कर दिया है, मैं आपको कंप्लीट 100% बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये ग्राउंड अटैच कर दिया है मैंने, फिर भी ये बल्ब लग गया है। कैसे लगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप कनेक्शन देख लीजिए, यहाँ पर ये जा रहा है कनेक्शन, ये बाहर में जा रहा है। कोई भी धोखाधड़ी नहीं है, हमारे चैनल पर कोई धोखाधड़ी नहीं होती, एकदम रियल वीडियो है। बल्ब जला हुआ है, आप देख सकते हैं ये कनेक्शन। आगे ले जाते हैं, ये देखिए दोस्तों, मैंने बिल्कुल यहाँ ग्राउंड कर दिया है, हमारे घर की जाली जो है यहाँ पर मैंने जॉइंट कर दिया है। बिल्कुल यहाँ पर कोई कनेक्शन वायरिंग वगैरह नहीं है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया है इन जालियों के अंदर। और मैं इसके हाथ लगा के आके चलता हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा रहा। फिर भी दोस्तों ये बल्ब जल रहा है, क्यों जल रहा है? क्योंकि अब इसका न्यूट्रल जो है हर जगह पहुंच गया है। किसकी बदौलत? सिर्फ और सिर्फ इस सॉकेट की बदौलत। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली वीडियोस बनाता रहता हूँ। चलते हैं दोस्तों, बाय।